तो इस लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे और ज्योमेट्री का खासा यूज़ रहता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, 2D में, बाकी भी चैप्टर्स में काफ़ी यूज़ होता है ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा वगैरह में। तो ज्योमेट्री के कुछ बेसिक रूल्स देखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीगन की। पॉलीगन मींस जिसके n साइड्स हो, ये क्लोज ज्योमेट्री होगी, n साइड्स होंगे इसके। इसकी प्रॉपर्टी एक ही होती है, ये तो सबको पता है कि ये जितने भी एंगल हों ये 2π होता है, दीज आर एक्सटर्नल एंगल, ये सारा सम क्या आएगा 2π। क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। अब इसके बाद इसके इंटरनल एंगल्स क्या होते हैं, इंटरनल एंगल्स ये हैं θ1, θ2, θ3, दीज आर इंटरनल एंगल्स। तो यहां मेन फॉर्मूला यूज होता है सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स। काफी लोग इसको 2π ही लिख करके आते हैं, जबकि इसका सम 2π नहीं होता है, इसका सम होता है n-2, टोटल नंबर ऑफ साइड्स माइनस 2 करेंगे और पाई रेडियन, पाई इन रेडियन, या फिर n-2 180 डिग्री। तो पॉलीगन की मेन प्रॉपर्टी यही है। पॉलीगन इसके अलावा दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन में ये सारी साइड लेंथ बराबर होंगी और ये सारे एंगल्स भी बराबर होंगे, ऑल आर थीटा। और दूसरा है इरेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर पॉलीगन होगा तो ये सारी साइड्स डिफरेंट होंगी और ये सारे एंगल भी डिफरेंट आएंगे, θ1, θ2, θ3। तो ये हो गई पॉलीगन की बात। अब इसी का पर्टिकुलर केस है जब चार साइड्स होती हैं, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल। तो जब भी क्वाड्रिलैटरल की बात करी जाए तो थोड़ा हमें अजीब सा बनाना चाहिए, मतलब ये पैरेललोग्राम या स्क्वायर वगैरह ना लगे, सारी साइड्स अनइक्वल हों और साथ में कोई भी एंगल 90 ना हो, सारे डिफरेंट एंगल्स हों। तो अगर यहाँ पे एक ही प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स, कितनी साइड्स हैं इसकी, 1, 2, 3, 4, चार साइड्स हैं, तो 4-2π रेडियन मींस 2π। तो क्वाड्रिलैटरल में एक ही प्रॉपर्टी होगी कि सारे एंगल्स का सम, ये जितने भी एंगल है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इन सब का सम 2π आता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 2π। तो क्वाड्रिलैटरल में एक ही प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स इज 2π। अब क्वाड्रिलैटरल के बाद क्वाड्रिलैटरल का पर्टिकुलर केस होता है पैरेललोग्राम। इसका पर्टिकुलर केस हो जाएगा पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में जैसा कि सबको पता है दो साइड्स, एक सेट ऑफ पैरेलल साइड होगी और एक दूसरी सेट ऑफ पैरेलल साइड होगी। ये एंगल 90 नहीं होते, अगर 90 हो गए तो ये रेक्टेंगल बन जाता है, जो कि पैरेललोग्राम का पर्टिकुलर केस है। तो दिस इज पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये सबको पता है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, लेकिन इस प्रॉपर्टी से कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगती है वो ये लगती है कि डायगोनल बायसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बायसेक्ट करते हैं, ABCD डायगोनल बायसेक्ट ईच अदर। डायगोनल
डायगनल एक दूसरे को बायसेक्ट करते हैं, ये इसका मिड पॉइंट होता है, ये AC का भी मिड पॉइंट होगा और BD का भी मिड पॉइंट होगा, ये लेंथ इसके बराबर आएगी, मतलब OA OC के बराबर आएगा और ये लेंथ इसके बराबर आएगी, मींस OB OD के बराबर आएगा। तो मेन प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में होती है कि डायगनल बायसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट यहाँ पे देखना है, इसका जो डायगनल होता है उसका एंगल बायसेक्टर नहीं होता है, मतलब ये अल्फा अल्फा नहीं होगा, ये अल्फा बीटा होगा, अल्फा बीटा के बराबर नहीं आता है। तो ये पॉइंट याद रखना है, अगर अल्फा बीटा के बराबर हो जाएगा तो ये रोम्बस हो जाता है। तो डायगनल बायसेक्ट ईच अदर नॉट एट 90 डिग्री, मीन्स ये एंगल 90 नहीं होता है, लाइक ये पैरेललोग्राम है तो ये एंगल 90 नहीं होता है, ये थीटा होगा तो ये रेस्ट पाई माइनस थीटा, नॉट एट 90 डिग्री एंड आर अनइक्वल। ये अनइक्वल होते हैं, मतलब एसी बीडी के बराबर नहीं आता है। तो ये मेन प्रॉपर्टीज़ हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम में जो प्रॉपर्टी अप्लाई होती है वो यही होती है, डायगनल बायसेक्ट ईच अदर, मींस इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेंगे और इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे और बराबर कर देंगे, तो इससे डायगनल पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। 90 पे नहीं होते हैं, ये इसका एंगल बायसेक्टर नहीं होता है। इसके अलावा पैरेललोग्राम में जो बातें हमें याद रखनी है, ध्यान रखनी है, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया सेम आएगा। इसी तरह से अगर दूसरा डायगनल ले लें हम, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया भी सेम आता है, एंड इन द सेम वे पैरेललोग्राम में ये चारों ही ट्रायंगल का एरिया सेम आता है, मतलब एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के अगर हम चार से मल्टीप्लाई कर दें तो उस केस में पूरे पैरेललोग्राम का एरिया हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें है, एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, एक पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ करा, ये एक सेट ऑफ पैरेलल साइड है और ये एक सेट ऑफ पैरेलल साइड है, इनके बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा है, लेट्स से इसके बीच की डिस्टेंस पी वन आ रही है, इस सेट ऑफ पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस पी वन आ रही है और इस सेट ऑफ पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस निकालनी, तो यहां से इसको एक्सटेंड करके इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जाएगा, तो दिस इज पी टू। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम याद रखना है हमें, दैट इज पी वन पी टू अपॉन साइन थीटा। पी वन हो गया एक सेट ऑफ पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस, पी टू हो गया इस सेट ऑफ पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस, और थीटा नॉन पैरेलल साइड्स के बीच का एंगल हो गया, तो पी वन इंटू पी टू अपॉन साइन थीटा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई पैरेललोग्राम की। अब इसके बाद पैरेललोग्राम का पर्टिकुलर केस है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में बेसिकली ये साइड्स परपेंडिकुलर हो जाती हैं, बराबर होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज होती है वो ये यूज होती है कि डायगनल्स बायसेक्ट ईच अदर। डायगनल यहाँ बायसेक्ट करते हैं, ये लेंथ इसके बराबर आएगी और इवन यहां पे चारों लेंथ बराबर आ जाती हैं। डायगनल बायसेक्ट करते हैं तो यहां पे जैसा कि हमने देखा चारों लेंथ बराबर होंगी, ऐसा पैरेललोग्राम में नहीं था।
पैलोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं थे, लेकिन रेक्टेंगल में डायगोनल भी इक्वल होते हैं. ए सी इज इक्वल टू बी डी एंड आर इक्वल. ये डायगोनल्स इक्वल आएंगे. इसके अलावा ये 90 डिग्री पे कट नहीं करते हैं. ये थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा, नॉट एट 90 डिग्री. नेक्स्ट, इसका डायगोनल्स का एंगल बाइसेक्टर नहीं होता है. अगर ये अल्फा है तो ये पाई बाई टू माइनस अल्फा. अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ये पाई बाई फोर हो जाएगा. उस केस में ये स्क्वायर हो जाएगा, रेक्टेंगल नहीं रहेगा. तो इसका ये डायगोनल इसका एंगल बाइसेक्टर नहीं होता है. इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज़ पैलोग्राम में वैलिड हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ रेक्टेंगल में भी वैलिड हैं. इन चारों ही ट्राइंगल का एरिया बराबर आता है. और ये सभी को पता है, इसकी लेंथ अगर एल है, विथ बी है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एल बी. तो मेन प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की हो गई डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल, और चारों पार्ट्स बराबर होते हैं. तो पैलोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट तो कर रहे थे लेकिन इक्वल नहीं थे, तो रेक्टेंगल में इक्वल हो जाएंगे. ये चारों पार्ट्स बराबर हो जाएंगे. और इन द सेम वे ऑफ जैसा पैलोग्राम में था, यहाँ पे भी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं कर रहे. और जैसा पैलोग्राम में था, ये इसका डायगोनल इसका एंगल बाइसेक्टर नहीं है. अब रेक्टेंगल का पर्टिकुलर केस हो गया स्क्वायर. स्क्वायर सभी को पता है कि चारों साइड्स बराबर होती हैं, 90 डिग्री पे होती हैं, लेकिन इस प्रॉपर्टी से कोई भी कॉम्पिटिशन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है. क्वेश्चन सॉल्व होगा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. जो प्रॉपर्टी पैलोग्राम में लगेगी वो सब में लगेगी. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड एट 90 डिग्री. यहां पे डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री एंड आर इक्वल. जो प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में लगेगी वो यहां पे भी लगेगी. तो ये चारों लेंथ बराबर होती हैं. ए सी बी डी के बराबर आएगा, ओ ए ओ बी, ओ सी ओ डी, ये सब बराबर आएंगे. और ऑब्वियसली ये चारों ट्राइंगल का एरिया इक्वल आएगा. और साथ में इसका डायगोनल इसका एंगल बाइसेक्टर होता है, ये भी पाई बाई फोर एंड दिस इज ऑल्सो पाई बाई फोर. तो इसका डायगोनल is its angle bisector. इसका डायगोनल का एंगल बाइसेक्टर होगा. तो जैसा कि हमने देखा कि रेक्टेंगल में और उसमें डिफरेंस क्या है, यहां पे बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, और साथ में इसका डायगोनल इसका एंगल बाइसेक्टर होता है. तो जो प्रॉपर्टी पैलोग्राम में लगेगी वो रेक्टेंगल में भी लगेगी, स्क्वायर में भी लगेगी. और देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी से चेंज होती जा रही चीजें. इसके बाद नेक्स्ट है रोम्बस. रोम्बस में भी चारों साइड्स बराबर होती हैं, और इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक स्क्वायर लें और उसका बेस फिक्स कर दें और ऊपर से हल्का सा इंक्लाइंड कर दें, तो दिस इज रोम्बस. मतलब बेसिकली हमने स्क्वायर को तिरछा कर दिया तो ये रोम्बस बन गया. मींस रोम्बस में एंगल्स 90 नहीं होते हैं, लेकिन हाँ सारी साइड्स बराबर होंगी, नॉट एट 90 डिग्री. तो इन द सेम वे यहां पे भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन यहां डायगोनल अनइक्वल होते हैं, क्योंकि अगर झुकाएंगे तो ये डायगोनल बढ़ जाएगा और ये छोटा हो जाएगा. तो डायगोनल
bisect each other at 90 degree. यहाँ पे भी 90 degree पे ही bisect करते हैं, ये 90 होगा तो obviously ये भी 90 हो जाएगा. And are unequal. ये unequal होते हैं. Means AC BD के बराबर नहीं आएगा. ये लेंथ इसके बराबर होगी और ये लेंथ इसके बराबर होगी, मतलब चारों साइड्स बराबर नहीं होती हैं. इस पॉइंट को अगर O मान लें तो OA OC के बराबर होगा एंड OB OD के बराबर होगा. इन द सेम जैसा कि पैलोग्राम में था. इसके अलावा इसका डायगोनल्स का एंगल बायसेक्टर होता है, ये अल्फा और ये अल्फा, इसका डायगोनल्स का एंगल बायसेक्टर होगा एज सेम एज स्क्वायर. स्क्वायर में एंगल पर्टिकुलर पाई बाई फोर हो गया, यहाँ पे अल्फा ये कुछ भी हो सकता है. तो रोम्बस की प्रॉपर्टी हो गई डायगोनल्स बायसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एंड आर अनइक्वल और डायगोनल्स आर इट्स एंगल बायसेक्टर और ऑब्वियसली इन चारों ट्राइंगल का एरिया सेम आएगा. अब हम एक नेक्स्ट क्वाड्रिलैटरल, ये भी होता है ट्रैपीजियम, लेकिन ये अलग फैमिली है. ट्रैपीजियम बेसिकली होगा जिसमें दो पैरेलल साइड्स होंगी और दो नॉन पैरेलल साइड्स होनी चाहिए. दो पैरेलल साइड्स एंड दो नॉन पैरेलल साइड, ये पैरेलल हो गई और ये नॉन पैरेलल. ट्रैपीजियम ऐसा भी हो सकता है एक साइड परपेंडिकुलर हो जाए. तो दो पैरेलल साइड और दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, इसको हम ट्रैपीजियम बोलते हैं. यहाँ पे कोई खास ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी यूज नहीं होती है, लेकिन बस एक फॉर्मूला होता है एरिया का. एरिया इज हाफ टाइम्स सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम. सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब AB प्लस CD और इसके पीछे डिस्टेंस सपोज कर लो H है तो इनटू H. तो ये हो गया ट्रैपीजियम. तो ट्रैपीजियम में दो पैरेलल साइड होंगी और दो नॉन पैरेलल साइड होंगी. इसको हम 90 डिग्री पे भी ले सकते हैं यहाँ पे, जैसी रिक्वायरमेंट होगी. इसके बाद एक और क्वाड्रिलैटरल आता है, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में बेसिकली ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसकी चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाई करें, तो ऐसे क्वाड्रिलैटरल को हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. और इसकी भी एक ही प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है. ये अल्फा है तो ये पाई माइनस अल्फा, ये बीटा है तो दिस विल बी पाई माइनस बीटा. और जो प्रॉपर्टी क्वाड्रिलैटरल के साथ लगती हो तो सब में लगेगी, मींस सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 2π. और जैसा कि देख भी रहा है दिस इज 2π.